नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ। एक भाई ने कमेंट किया था हमारे को कि भैया, एक 14 इंची चोकसा होता है जिससे हम लोग एंगल या पाइप वगैरह काटते हैं, और एक होता है AG7 बॉस का AG7 ग्राइंडर, उससे भी हम लोग एंगल वगैरह या पाइप वगैरह काटते हैं। लेकिन दोनों में अंतर इतना है, उसको हम लोग एक हाथ से भी चला सकते हैं। जो ग्राइंडर होता है, AG7 ग्राइंडर होता है, उसको हम लोग दो हाथ से चला सकते हैं। लेकिन उस भाई का यह कहना था कि भाई, हम लोग AG7 की जो फील्ड होती है, उसको हम चोकसा मशीन में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बारे में मैं आप लोगों से आज मैं बात करने वाला हूँ। उस भाई साहब ने, देखो ऐसे तो मैं बता नहीं पाऊँगा, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, ताकि वो भाई अच्छे से समझ सके, अच्छे से जान सके। कई बार ऐसा होता है कि AG7 की फील्ड भी ना रहे और हमारा चोकसा भी ना रहे, तो उस भाई का पूछना भी ठीक था। तो चलिए, वीडियो में कौन सी एंगल ग्राइंडर की है और कौन सी चोकसा मशीन की है, आप इसमें पहचान सकते हैं आपकी कौन से वाली है, कौन से वाली फील्ड कॉइल है। तो चलिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, ये है 20180 यानी बोस का AG7 ग्राइंडर, जिसका 20180 मॉडल नंबर भी होता है, 2000 भी होता है, और कुछ एक आध और मॉडल AG7 ग्राइंडर में यही वाली फील्ड लगती है। और ये वाली फील्ड है जो हमारा चोकसा मशीन होता है, 14 इंची कटर मशीन भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने फ़ोटो दिया है, इस साइड में देख पा रहे होंगे, ये है चोकसा मशीन की और ये है AG7 एंगल ग्राइंडर की। यहाँ पे आप लोग फ़ोटो देख पा रहे होंगे, ये है AG7 एंगल ग्राइंडर और ये है चोकसा मशीन, जो बोस का मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूँ किस किस मॉडल में ये लगती है। 2000 मॉडल में 14 इंची जो चोकसा होता है उसमें भी, और GCA 200 में भी। और अगर आप लोग चाहें तो इसको AG7 का जो एंगल ग्राइंडर होता है उसकी फील्ड आप लोग चोकसा मशीन में भी लगा सकते हैं। आप इसके कनेक्शन देख लीजिए, एक वायर इधर में निकली है और दूसरी इधर में निकली है, ये लगी चोकसा मशीन में। और ये वाली फील्ड है, इधर इधर से वायर डाली और इस साइड में जाके निकली है, ये है AG7 ग्राइंडर की। तो इनमें फ़र्क है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए, बात एक ही है, इसका जो वायर नंबर है, इसका भी 19.5 नंबर है और इसका भी 19.5 नंबर है, खाली ये जो एक वायर इधर निकली है और एक वायर इधर निकली है, खाली फ़र्क इतना ही है। अब देखो, ये हमारी AG7 एंगल ग्राइंडर की है, हम इसको चोकसा मशीन में डालना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको इस वायर को ऐसे मोड़ देना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको सिर्फ दोनों तार AG7 एंगल ग्राइंडर की जो बॉस होता है 20180, उसके अंदर से फील्ड निकली हुई, दोनों तार इधर से निकली होंगी, एक वायर को जो हमें 220 जिसमें पावर देनी होती है, एक वायर इस साइड में मोड़ देनी है, ये चोकसा मशीन की आपकी बन जाएगी। और दोस्तों, ये वायर ऐसे लूज नहीं छोड़नी है, ऐसे आप देख पा रहे हैं, ये वायर ऐसे लूज नहीं छोड़नी है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से या तो MCL भरें, और हाँ, इतनी ऊपर नहीं करना है ताकि आपके आर्मेचर को अटैच हो MCL, ठीक है। पहले तो फेविक्विक यहाँ पे लगाएं, पहले तो इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं, वाइंडिंग के साथ आप लोग पेपर तो लगाते ही होंगे, ये वाला पेपर पहले मैं फ़िलहाल वैसे आपको दिखा रहा हूँ, एक नीचे में लगाएं, ये वाइंडिंग पेपर होता है, एक नीचे में लगाएं और एक ऊपर में लगाएं, इसको फेविक्विक से चिपका दें, बस हल्का सा कटिंग करके अंदर में दे देना है और ऊपर से MCL इसमें भर देना है, आप चोकसा मशीन के अंदर इसको लगा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है, इसकी वायर दोनों एक साइड में हो गई, ये जाती है कार्बन पे और ये वाली जाती है, एक इधर कार्बन में चलेगी और दूसरी सप्लाई पे जाती है, 220 सप्लाई पे। तो दोस्तों, फ़र्क इतना है सिर्फ, देखिए ऐसे होने चाहिए, एक वायर ये जो फील्ड हो गई, एक वायर इसकी इधर निकलेगी और एक वायर इस साइड में होनी चाहिए और एक वायर इस साइड में होनी चाहिए, तभी हमारी काम करती है, नहीं तो मैग्नेट नहीं बना पाएगी, ठीक है। एक वायर इधर से निकली और दूसरी वायर इधर से निकली है, ये किधर भी निकले कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप घबराइए मत। दो वायर हमारे इस साइड में होना चाहिए, जो कि वहाँ पर जाके जहाँ पर हमारे कार्बन लगे हैं वहीं पर जाके इसको फिक्स करना होता है। और दोस्तों, आप लोगों की, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारी ये फील्ड शॉर्ट हो चुकी है। ये शॉर्ट कैसी हुई, इसकी वायर यहाँ पे अटैच थी, ठीक है, इसकी वायर यहाँ पे अटैच थी। तो दोस्तों, आप जब फिट करें
फील्ड को फिट कभी भी करें तो यहाँ पे वायर को अटैच ना होने दें, ताकि कभी भी गर्म होके यहाँ पे चिपके ना और आपकी फील्ड शॉर्ट ना हो, ठीक है। और दूसरा, आपकी जैसे एक फील्ड ख़राब होगी और एक है सही, तो दोस्तों इसका वायर नंबर होता है 19.5 नंबर, और 19.5 नंबर आप लेकर के इसको एक को वाइंडिंग करके और एक आपकी ठीक है तो आप इसको वैसे के वैसे वाइंड करके चला सकते हैं। और हाँ, जितने टर्न इसके अंदर से निकलते हैं उतने ही टर्न हमारे को इसके अंदर डालने होते हैं। टर्न कैसे गिनेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे और एक एक तार को ऐसे करेंगे, एक एक तार को गिन लेंगे इसके अंदर कितने टर्न है इसमें डले हुए हैं, उसी हिसाब से आपको इसके अंदर टर्न डालने होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।